तो गाइस आज के मंडिनेटरों को देखने के बाद एक बात का तो अंदाज़ा हो चुका है कि रोमन रेंस अगर WWE में नहीं है तो WWE को देखने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, और WWE काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी है रोमन रेंस के बगैर। जी हाँ, अगर आप लोगों ने आज के मंडिनेटरों को देखा है तो फिर आप लोग समझ गए होंगे, और अगर आप लोगों ने मंडिनेटरों को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को आज की मंडिनेटरों को सब एक्सप्लेन से बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना। तो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं, आज WWE ड्राफ्ट की नाइट 2 थी, और काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक्सपेक्टेशन थी कि आज कुछ बड़ा यानी कि हमें कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज के ड्राफ्ट भी ज़्यादातर वही हुए जो रिटेन हुए हैं, यानी कि सब सुपरस्टार ने ज़्यादातर अपनी जगह को बरकरार किया है। लेकिन एक शॉकिंग ड्राफ्ट था, वो था ये था कि जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उनको मंडिनेटरों ने पिक किया है। अब ये क्यों पिक किया है मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो आज की मंडिनेटरों की स्टार्टिंग थी वो होती है जे उसो से। जे उसो रिंग में आते हैं और वो अपना प्रोमो कट करते हैं, और बैकलैश के लिए बारे में कहते हैं कि वो बैकलैश में डेमन प्रिस्ट को हरा देंगे और बन जाएंगे न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और ऐसे में डेमन प्रिस्ट इंटरफेयर करते हैं, और डेमन प्रिस्ट के साथ जजमेंट डे भी, यानी कि जजमेंट डे नहीं, लोगन पॉल भी होते हैं। लोगन पॉल को भी मंडिनेटरों ने पिक किया है, तो इस वजह से अब हमें लोगन पॉल मंडिनेटरों में देखने को मिलेंगे। तो ये जे उसो अकेले होते हैं, और जो लोगन पॉल होते हैं वो अटैक करने वाले होते हैं जे उसो पर, लेकिन जो उसका पंच होता है वो जजमेंट डे के मेंबर पर ही लग जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट था। और जब लोगन पॉल और फिन बैलर काफ़ी बुरे तरीके से अटैक कर रहे होते हैं जे उसो पर, तभी थीम सॉन्ग प्ले होता है मॉन्स्टर का, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमन का। जी हाँ, आज हमें फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन देखने को मिल चुके हैं मंडिनेटरों में, और ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था कि ब्रॉन स्ट्रोमन ने काफ़ी मंथ बाद अपना रिटर्न किया है, और ब्रॉन स्ट्रोमन को देखकर काफ़ी ज़्यादा अलग ही फील आ रहा था। ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में आते हैं और काफ़ी बुरे तरीके से अटैक करते हैं जजमेंट डे पर और लोगन पॉल पर, और जे उसो को सेव कर लेते हैं, यानी कि जे उसो को बचा लेते हैं। तो अब हमें शायद ब्रॉन स्ट्रोमन WWE में देखने को मिले, लेकिन बहुत से रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन अभी तक स्टिल इंजरी में है। जी हाँ, अगर आप लोगों को नहीं पता ब्रॉन स्ट्रोमन को क्या हुआ था, तो ब्रॉन स्ट्रोमन को यानी कि शोल्डर पर सर्जरी हुई थी, जिसकी वजह से हमें ब्रॉन स्ट्रोमन काफ़ी मंथ से WWE में देखने को नहीं मिले, लेकिन शायद अब हमें WWE में ही देखने को मिले। तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सेगमेंट था ब्रॉन स्ट्रोमन के आने से। तो अब देखते हैं कि WWE आगे चल कर क्या करती है ब्रॉन स्ट्रोमन के, किस तरह से ब्रॉन स्ट्रोमन को बुक करती है अगर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन WWE में देखने को मिले। और गाइस, जो हमें आज के मंडिनेटरों में एक और जो चीज़ देखने को मिली है, यानी कि एक और सेगमेंट देखने को मिला है, वो है CM Punk और ड्रू मैकइंटायर का। अब CM Punk ड्रू मैकइंटायर की हमें जिस तरह से स्टोरीलाइन देखने को मिली है, तो इस बात से मन अंदाज़ा हो चुका है कि आगे चल के हमें दोनों का सिंगल मैच लास्ट में देखने को मिलेगा, और ये सिंगल मैच हो सकता है आई थिंक हमें समर स्लैम में देखने को मिले, समर स्लैम 2024 में, क्योंकि बैकलैश में CM Punk एडवर्टाइज नहीं है, और ना ही शायद WWE इस तरह से बुक करेगी CM Punk को छोटे प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। तो इस बार के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें CM Punk का फर्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम 2024 में, और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का मोड बन जाएगा, क्योंकि CM Punk कोई छोटे मोटे रेसलर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़े सुपरस्टार है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमें CM Punk और ड्रू मैकइंटायर का मैच देखने को मिल सकता है समर स्लैम 2024 में, वो भी सिंगल मैच। तो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में यहीं तक अपडेट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लास्ट में कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।